नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरएनआई न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। जैसे जैसे यूपी चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे ही अब सियासत के रंग अलग अलग दिखाई देने लगे हैं। जहां कुछ पार्टियां अब दल बदल की राजनीति में फंसती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं पर कुछ पार्टियां अन्य राज्यों में तो साथ साथ खड़ी हैं, लेकिन यूपी घमासान में एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती हुई नजर आती है। क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। अन्य राज्यों में हम साथ साथ हैं, लेकिन यूपी पहुंचते ही हम आपके हैं कौन। जी हाँ, यूपी में इन दोनों कुछ ऐसी ही सियासत देखने को मिल रही है, जहां कुछ पार्टियां अपना कुनबा बड़ा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, तो वहीं कुछ सियासी दल ऐसे भी हैं जो साथ साथ होकर भी यूपी में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र में एक साथ गठबंधन की सरकार चलाने वाली कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी यूपी में न सिर्फ अलग अलग राह पर चल रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ मजबूत दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन में सरकार चलाने वाली कांग्रेस यूपी में अकेले चुनावी मैदान में है, और वहीं शिवसेना ने भी यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जबकि महाराष्ट्र सरकार में किंग मेकर की भूमिका निभाने वाली एनसीपी ने सपा को समर्थन देने का ऐलान किया है। बता दें कि यूपी में सपा सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में कांग्रेस के साथ ही एनसीपी का सपा के साथ जाना कांग्रेस के लिए चिंता का सबब बन सकता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह भी है कि महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी के तीनों साथियों में से सिर्फ कांग्रेस ही है जो यूपी के सियासत में एक मजबूत दावेदारी रखती है, जबकि शिवसेना और एनसीपी का यूपी के सियासत में कोई खास वजूद नहीं रहा है। दूसरी ओर से शिवसेना पहली बार यूपी के सियासत में कदम रखने जा रही है। इससे पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में होने के कारण शिवसेना ने कभी यूपी के सियासी अखाड़े में कदम नहीं रखा था। शिवसेना और एनसीपी यूपी की राजनीति में भले ही कोई ठोस बुनियाद नहीं रखते हो, लेकिन इस चुनावी संग्राम में वे कांग्रेस के लिए वोट कटवा पार्टी जरूर साबित हो सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस को सपा और बीजेपी के साथ साथ अपने ही साथियों का तोड़ निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यानी यूपी की सत्ता तक के सफर में कांग्रेस को न केवल सियासी दुश्मनों को बल्कि सियासी दोस्तों को भी मात देनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर9 न्यूज़।